नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैं ट्रेन में हूँ। ये एक्सप्रेस है, कैफियत एक्सप्रेस, जो आजमगढ़ से दिल्ली आती है। मैं अकबरपुर से चढ़ी थी और मैं दिल्ली आ रही हूँ। मैं रात भर नहीं सो पाई हूँ। रात भर नहीं सोने का रीजन ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेन में ये सारी चीजें, इसका रीजन ये है। हिमांशु जरा इस पर फोकस करिए, ये कंबल है और ये इतना गंदा था कि देखिए ये खुला भी नहीं है। खुला तो क्या ही है, ये इनका है। मैं ऊपर लेटी हुई थी और मैं कैसे सोई, क्योंकि एसी था, थर्ड एसी था, ठंड तो बहुत थी। तो मैंने ये पहन लिया था ताकि मैं ठंड से बच सकूं और मैंने बस कमर तक इसको लपेटा था। मैं ऐसे ऐसे करके सोई थी, इसके बावजूद भी गंदी सी स्मेल मेरे नाक में जा रही थी और मुझे लगा कि सिर्फ मेरी ही ये हाल है, लेकिन यहाँ पे सबका यही हाल है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कंबल का कैसा उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? थोड़े ही नहीं, ये आप बताएंगे जरा। स्मेल आ रही थी। आप कुछ बताना चाहेंगे? कंबल बहुत गंदा था और बहुत बदबू दे रहा था। स्माइल आ रही थी। हिमांशु आप भी अपना बता दीजिए। मेरा अनुभव तो बस वही है लगभग। मुझे लगा कि सिर्फ मेरा हाल है। मुझे लगा कि तुम बच गई, गंदा वाला कंबल मुझे मिला। मुझे लगा कि मैं सिर्फ ये गंदगी झेल रही हूँ, कोई बात नहीं, बदबू आ रही एक रात की बात है। पर इधर पता चल रहा है कि सबका वही हाल है। भैया थोड़ा साफ सफाई का ख्याल रखिए, नहीं आदमी ना बीमार हो जाएगा ऐसे ट्रेन में। बस हाँ नहीं, बात बता दो, सफाई खाली कोरोना का समय के लिए नहीं होती है, बाकी समय भी साफ रहना चाहिए। हाँ नहीं तो ऐसे ही और कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, कोरोना से भी ज्यादा डेंजरस। चार लोग एक ही बिस्तर पे सोएंगे और एक ही कंबल ओढ़ेंगे तो इसके लिए बहुत ही खतरनाक बदबू।